जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त शिवम ग्रोवर और आप देख रहे हैं तांशी व्लॉग्स। आज आप देख रहे होंगे कि तान्या नहीं है यहां पर, क्योंकि तान्या थोड़ी सी पैकिंग कर रही है। आज बहुत ही खास दिन है। खास दिन इसलिए है क्योंकि हम अपने फ्लैट को शिफ्ट कर रहे हैं, हम दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा खूब सारा सामान है जिसकी हमें पैकिंग करनी है। 10 चीजें और भी हैं, वो सब कामों में लगे हुए हैं। ये आ गई गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ऐसे इतना फॉर्मल कौन बोलता है, ऐसे बोलो ना मस्ती में। भले ही हम काम में बहुत बिजी हैं, लेकिन हम आपसे मस्ती में ही बातें करेंगे यार। और इस टाइम हमारा घर इतना 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 ज्यादा फैला हुआ है कि हम आपको दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। चलो ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो नहीं दिखा। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज स्टार्ट करने से पहले, जय श्री कृष्णा। मैं तो बोल दूं पहले, इसने तो बोल दिया। और दूसरी चीज, हम एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि हम शिफ्टिंग बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा ही बिजी हैं, इस वजह से हम एक्टिव नहीं हैं। ना ही यहाँ पर ज्यादा एक्टिव है, ना ही इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड स्टिल, ओके। चलो अब इन्हें सारा घर की नाश दिखा दो। फ्लैट शिफ्टिंग से पहले आप सबको भगवान जी के दर्शन कराएं, और अब आपको दिखाते हैं हमारा सुंदर सा फ्लैट जो कि कबाड़ बन चुका है। ये देखिए, ये देखिए कबाड़। मैं कबाड़ नहीं। ये देखिए कबाड़, कितना सारा कबाड़ है। और ये देखिए, और ये देखिए क्या हालत बन चुकी है। ये देखिए, और ये देखिए गाइस, क्योंकि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं तो शिफ्टिंग में यही सब होता है गाइस। यस गाइस, अब आगे की वीडियो तान्या बनाएगी। हम जा रहे हैं उधर वाले फ्लैट पे आंटी को लेके, वहां पे सफाई करवाएंगे पहले। और कल हमारा यहाँ से बेड और सब कुछ, मतलब जो भी मेन वो होता है ना, बेड फ्रिज वगैरह, ये सब कुछ हमारा उधर शिफ्ट हो जाएगा कल। तो अब ये दो दिन का कंबाइंड ब्लॉग होगा, आज का और कल का, हम एक ही में डाल देंगे हमारे घर शिफ्टिंग का। और ये हो सकता है थोड़ा सा बड़ा भी ब्लॉग बन जाए। या तो आप सब कहते हो हम छोटे व्लॉग्स डालते हैं, तो देख लो आराम से, एक दो घंटे देखते रहो। तो गाइस, थोड़ा सा सामान ये रहा जो हम ऊपर से ले आए हैं, थोड़ा सा सामान शिवम और लेने के लिए गया है, बाकी कल मूवर्स एंड पैकर्स वालों के थ्रू जाएगा। तो गाइस, ये है अभी उस फ्लैट की हालत जहाँ पर हम शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पहले लड़के रह रहे थे, तो थोड़ी हालत कचरा है यहाँ की। ये सब है अभी शिफ्टिंग के बाद, जब हम अच्छे से शिफ्ट हो जाएंगे ना यहाँ पे, ये अंकल सफाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ का भी आपको होम टूर देंगे पूरा, कि हमने कैसे सेट कर लिया यहाँ पे। शिवम का स्टूडियो भी दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार। सिर्फ एक यही रूम है जो यहाँ पे साफ है, बाकी सब में बहुत गंदगी है। ये सब मैं अब आपको अच्छे से बाद में होम टूर में दिखाऊंगी। तो गाइस, अभी शिवम गया हुआ है इलेक्ट्रिशियन को लेने के लिए। अभी यहाँ पे बहुत सारी फिटिंग्स होनी है, गीजर्स की, फैंस की, और सब चीज़ों की फिटिंग होनी है। जब तक अंदर सफाई हो रही है, तब तक मैं आपको यहाँ वाले फ्लैट के दोनों गेट्स से बाहर का व्यू दिखाती हूँ। एक तो यहाँ से ये है व्यू, बिल्कुल सामने पार्क है, पेड़ और एक एग्जिट वो है। चूं चूं कर रहा है, आई दीदी। एक एग्जिट ये है, ये पूरा बाहर का। हाँ जी दीदी, एक साइड में रखना। हाँ एक साइड में रख दो, इसको कहाँ पे रखोगे? इधर यहीं पे रख दो अभी साइड में। ये इलेक्ट्रिशियन भैया भी आ चुके हैं, मेरा शिवम। ये स्टूडियो में थोड़ा सा काम चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये किचन की सफाई चल रही है। सोनू भैया के नेतृत्व में ये रोहित भाई, ये रहते थे यहाँ पर, जिसका नाम है सोनू, और वो ऐसी सफाई आज हमें खुद को आज पता लगा। ये ये रोहित भाई को बहुत हंसी आ रही है क्योंकि यही रहते थे यहाँ पर। आपको यकीन हो पा रहा है कि इतनी गंदगी निकलेगी? नहीं, ये मेरा फ्लैट है ही नहीं। मैं तो एक महीने से यहाँ पे रह ही नहीं रहा। और ये मेरा स्टूडियो साफ करवा रही है, इससे ज्यादा अच्छी चीज क्या हो सकती है। और ये देखो साफ सुथरा फ्लैट, बस एक कॉर्नर रह गया थोड़ा सा, अभी ये भी हो जाएगा साफ कॉर्नर। कल करेंगे इसको, आज तो नहीं, अभी थक गए हैं हम भी, और आंटी भी जो काम कर रही हैं। रूम भी ये पूरा साफ करवा चुके हैं, ये पूरा फ्लैट साफ करा चुके हैं। ये रूम भी हो गया ऑलमोस्ट साफ।
मैं अभी तक एक बहुत बड़ी गलत फहमी में था कि मेरा स्टूडियो बहुत साफ रहता है, वो मुझे आज तान्या ने मुझे बताया और मुझे लग रहा था स्टूडियो में कोई सफाई नहीं करानी पड़ेगी तो एक एक स्पीकर के ऊपर ऊपर तक साफ करवा दिया, स्पीकर के ऊपर भी मिट्टी इसके दिख गई हल्की हल्की सी, भी दिख रही है आपको किसी को? अब बहुत पास से देखोगे तो हल्की सी, पता नहीं शायद दिखे ना दिखे, इसको ये भी दिख रही है, देखो कैसे साथ में करवा रहे थे। तो गाइज अब मैं आ गई हूँ घर और शिवम को थोड़ा सा काम था तो वो मुझे ड्रॉप करके चला गया है वहाँ पे, और हमारे साथ है अभी माधव राठी। तो अब हम लोग सब, मतलब शिवम अभी 15-20 मिनट में आ जाएगा काम करके और फिर हम तीनों करेंगे डिनर और फिर हमें करना है बहुत सारा रेस्ट और बाकी का जो भी शिफ्टिंग का प्रोसेस होगा वो हम आपको दिखाएंगे, कल आएगा एक ही व्लॉग में। तो ये है हमारे बीच में माधव राठी। माधव राठी शक्ल दिखाइए, वो देखो वो सब अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है, हमने वो सब साफ़ नहीं करा। और ये रहा माधव राठी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मतलब अभी ये ब्लॉग ख़त्म नहीं हो रहा, कल का हम आपको कल दिखाएंगे। ओके गाइज, गुड नाइट। क्या आपने कभी एक कंजूस लड़की देखी है? मैंने देखी है और आप सब देख ही रहे हो। ये इतनी कंजूस है कि इसने मूवर्स एंड पैकर्स बुलाए हैं, सारा सामान। मैं समझदार हूँ, मैंने मूवर्स एंड पैकर्स बुलाए हैं लेकिन उनके आने से पहले भी मैं थोड़ा सा काम करके रखूँ। तो मैंने इसे बोला कि जब उनका काम ही यही है सामान लेकर जाना तो तू क्यों कर रही है? तो ये कह रही है कि मैंने कम रेट में डिसाइड कर रखा है उनके साथ, तो इतना सारा जब ज्यादा काम देखेंगे वो तो ज्यादा पैसे मांगेंगे। तो ये मेरे 4 लगेज भरने के बाद मेरे लगेज खत्म हो गए, अब मेरा ये पन्ने में भरा मैंने, जो कि मुझे लग रहा है ये फट जाएगा, देखना तो फट भी गया। तो बहुत अच्छी बात है यार, इसको उठाएंगे कैसे लेके आओ? वो उनकी टेंशन है, वो उस चीज का ही पैसे ले रहे हैं, इसी चीज का पैसा ले रहे हैं वो। ठीक है, हंसी की रोक रही है अपनी। बहुत हेक्टिक काम होता है गाइस शिफ्टिंग करना, अगर आप लोगों ने करी होगी तो आप लोगों को पता होगा, मैं जिंदगी में ऐसे वाली शिफ्टिंग पहली बार कर रही हूँ और मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। मूवर्स एंड पैकर्स करके दिए हैं तुझे, ऐसे कह रही है खुद करके दिए हैं, मतलब मैंने खुद कर दिए हैं, मतलब मैं इसे 4 दिन तक बोला शिवम मूवर्स एंड पैकर्स से बात कर ले बात कर ले बात कर ले, कल हार के चिल्ला के चिल्लाने के बाद मैंने खुद से ही उन लोगों से बात करी। चलो कोई नहीं, पैसे तो मैं ही भरूंगा, पैसे मैं ही भरूंगा। अच्छा झूठी। चल ठीक है, अब तो तू ही भरेगी, मैं ही भर रही हूँ। ठीक है, अब साफ ही भरोगे, ये कैमरा पे बोल रही है, ये बाद में पता क्या बोलेगी, चल चल भर। देखो शक्ल से पता लग गया ना हम सबको, ना ना टॉपिक क्यों चेंज कर रही है, देखो साड़ी पे ले गई अब टॉपिक। पैसे कौन भर रहा है इसके बता मुझे, मूवर्स एंड पैकर्स के कौन भर रहा है? क्या हम? हम। देखा गाइस, देख रहे हो मेरे साथ कितना अत्याचार होता है। अब तू भरेगी, मैं चवन्नी नहीं निकाल रहा, वैसे भी 3 दिन से चवन्नी नहीं निकाल रहा। अगर इन कपड़ों को मैं अभी बेच दूं तो एक गरीब का घर बन जाएगा और उसकी बेटी की शादी भी हो जाएगी। मेरी दादी की साड़ी, ये मैंने इनसे ली थी थोड़े दिन पहले कि मैं इसमें से सूट बनवाऊंगी और आज तक मैंने सूट नहीं बनवाया, अब बनवाऊंगी। लेकिन थक गई, ज्यादा थक गई, तो मुंह ऐसा क्यों बनाया हुआ सुअर जैसा? ये चल रहा है पैकिंग। तो गाइस आधी पैकिंग, ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा ही हो गई है अब, ये रहा शिवम और घर कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। यहाँ पर अभी भैया थोड़ी सी पैकिंग और कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ घर, और ये वाला रूम भी अभी फैला हुआ है। ये देखो, ये भी सारे हमारे कपड़े हैं, ठीक है, ये भी हमारे कपड़े हैं, कपड़े कपड़े हैं और किचन का सामान है। शिवम ये इतना सारा सामान और भी है उधर, ये 2 लोगों का कैसे हो सकता है? ये तो तू बता ही, मेरी वो थोड़ी ना, क्यों खरीदवाने में आपने हेल्प नहीं करी थी? इसमें 10% मेरा होगा, 90% तान्या का। ऐसा समझ आ रहा है हमारे को कि ये 2 लोगों की गृहस्थी में इतना सामान कैसे हो सकता है, समझ ही नहीं आ रहा हम लोगों को। तो 10 लोग पाल सकते हैं हम। हाँ। तो गाइज आपको ये दिख रहा है टेम्पो में, ये सारा सामान हमारा है, अभी हमारा ये गाड़ी में भी सामान पूरा भरा हुआ है और अभी फ्लैट पे भी बहुत सारा रह गया है।
तो गाइज अभी तक हम लोगों ने ये तो बताया ही नहीं है कि हम लोग शिफ्ट कर क्यों रहे हैं, तो वो शिवम बताएगा। तो शिफ्ट करने का रीजन यही है कि वहाँ पर मेरा स्टूडियो है जिस फ्लैट में हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो रोज क्या होता था, मेरे को सुबह उठ के खाना खुना खा के स्टूडियो के लिए निकलना होता था काम के लिए, या कभी कॉल आ गई कुछ आ गई तो मुझे स्टूडियो जाना पड़ता था, जिसकी वजह से मेरा काम बड़ा ज्यादा डिस्टर्ब रहता था। कभी कभी मेरा दिल नहीं होता था म्यूजिक बनाने का, मेरा रेस्ट करने का मन है तो मैं घर आके रेस्ट करता था, तो फिर इसका वापस जाने का मन ही नहीं करता था। तो मेरे को ये लग रहा था कि क्यों ना स्टूडियो वाले फ्लैट में हम शिफ्ट कर दें, वहाँ पर ज्यादा ठीक है, वहाँ पर काम भी हो जाएगा, रेस्ट भी हो जाएगा, खाना भी टाइम पे हो जाएगा, थोड़ा खाना भी डिस्टर्ब रहने लग गया था। मतलब मेन हमारा शिफ्ट करने का रीजन यही है कि शिवम का काम सफर कर रहा था बहुत ज्यादा इस वजह से, क्योंकि शिवम का जो काम है ना म्यूजिक में, तो ना उसमें ना एकदम से कभी 2 बजे भी रात को कुछ आइडिया आ जाता तो शिवम को उठ के रिकॉर्ड करने का वो होता था, लेकिन अभी पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि शिवम स्टूडियो शिफ्ट कर चुका था। तो अब हमारा बेटर यही रहेगा शिवम के काम के लिए कि हम उधर वापस से शिफ्ट हो जाए, मतलब जहाँ पर स्टूडियो है ना वहीं पर ही शिफ्ट हो जाए, तो वहाँ पर काम भी ठीक रहेगा, टाइम टू टाइम इसको खाना भी मिल जाएगा और खाना भी, ऑब्वियसली रेस्ट सब कुछ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो आप सबको वो वाले फ्लैट का टूर भी दे देंगे, पूरा स्टूडियो भी दिखा देंगे, जब पूरा हो जाएगा ना तब वो भी हम आपको पूरा होम टूर भी देंगे, पहले उसको कम्प्लीटली हम उसमें सेटल हो जाएं, सारा सामान कर लें। ये सामान तो खोलने में भी 1 हफ्ता लग जाएगा पूरा का पूरा। गड्ढे सड़कों में और शिवम के काम के साथ साथ ना हमारा और भी चीजें सफर कर रही थी, मतलब हमारे को वीडियोस बनाने का, तांशी एंटरटेनमेंट, तांशी व्लॉग्स और ये सब कुछ ही सफर कर रहा था। तो अब हम वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद ना हमारे पास काफी टाइम होगा, तो हम व्लॉगिंग चैनल पे भी एक्टिव होंगे, तांशी एंटरटेनमेंट पे भी एक्टिव होंगे, सब जगह पे एक्टिव होंगे, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव होंगे। आप सब लोग बोलते हो ना बहुत टाइम से कि आप लोग ज्यादा व्लॉग्स क्यों नहीं डालते, ज्यादा वीडियोस क्यों नहीं डालते, तो रीजन यही है कि आधे टाइम मैं अपने स्टूडियो होता था, म्यूजिक बना रहा होता था या काम कर रहा होता था और मैं घर पे होती थी, और ये होती थी घर पे, जिसकी वजह से हम ना वीडियोस बना पाते थे, ना ठीक से म्यूजिक पे फोकस हो पा रहा था, ना व्लॉग्स पे। तो अब हम एक ही जगह पर सारा सारा दिन रहा करेंगे, तो सारा सारा दिन हम लड़ते भी रहेंगे, एक दूसरे का सिर भी फोड़ते रहेंगे और काम भी करते रहेंगे। इतनी सारी शिफ्टिंग के बीच में हमसे मिलने देखो कौन आया है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जीते रहिए जीते रहिए। नवनीत बंसाली, फाइनली हम मिल रहे हैं, इतनी कितनी मेहनत के बाद। दुबई में नहीं मिल पाए, दिल्ली में नहीं मिल पाए, चंडीगढ़ में तो 3 बार नहीं मिल पाए, अब मिल गए लेकिन, और वो भी कब, जब हाँ लेकिन कब, जब ये सब चल रहा है ये सब के बीच में। बंगलो लिया है तानिया, नहीं नहीं वाली गाइस, नहीं नहीं छोटा सा, ये एक फ्लैट है हमारा, ऊपर किसी और का ही है। नहीं सब झूठ बोल रहे गाइस, बहुत पैसे वाली, अभी आपसे लेती हूँ पैसे चलो। तो आज हम घर में पहली बार चूल्हा चला रहे हैं और हमने चूल्हा भी नया लिया है, तो अब हम पहले चूल्हे की पूजा करेंगे। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं प्रॉपर सूट पहन के करूंगी और हलवा बनाऊंगी, लेकिन 12 बजने वाले हैं रात के और मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है। तो जब तक ये पूजा की तैयारी कर रही है तब तक मैं आप सबको बता दूं कि हमने फैबर का लिया है, फैबर का बहुत अच्छा होता है, आप सबको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने थोड़ी सी रिसर्च करी थी, तो आप सबको भी बता दूं अगर कोई लेने का सोच रहा है स्टोव, तो फैबर का बहुत अच्छी कंपनी का होता है, थोड़ा सा आम से थोड़ा सा महंगा होता है, ये 5,500 का आया था हमारा 3 वाला और हमने क्रोमा से लिया था। तो हाँ जी अब आ जाओ बैक टू, तो हम इस पे स्वास्तिक बनाते हैं और फिर हम इस पे हलवा तो नहीं बना पाएंगे लेकिन हम दूध उबाल के कॉफी बना के पी लेते हैं। चलो जी अब तान्या मुझे कॉफी पिलाएगी पिलाएगी और ये व्लॉग यहीं पे खत्म होता है क्योंकि हम बहुत थक गए और अब हम सोएंगे। ठीक है गाइस, तो मैं कैमरे के पीछे से बोलूंगा सबको गुड नाइट और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर व्लॉग, क्योंकि आज मेरी बैंड बच चुकी है और मैं अपना थोपड़ा दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मतलब थोड़ी लायक नहीं रहा क्योंकि इतना थक गए हैं, इसकी भी बेचारी की बैंड बजी हुई है, मेरी भी बैंड बजी हुई है, तो हम थक के सो जाएंगे। लव यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग तांशी व्लॉग्स, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब करा हो तो सब्सक्राइब कर लें। ओके गाइस, बाय बाय।